नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड 19 से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स देंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में कोरोना महामारी का कहर जारी है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 मई को कोरोना के 4,03,738 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आए 4,092 कोविड मरीजों की मौत हुई है। बुलेटिन की अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के करीब 80 स्वास्थ्यकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि एक डॉक्टर AK रावत का शनिवार को निधन हो चुका है। उन्होंने कोरोना रोधी टीके की डोज भी ली हुई थी। वह 58 साल के थे। अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर PK भारद्वाज ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि अप्रैल से मई महीने के बीच करीब 80 मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि पहले के मुकाबले अब हालातों में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन एक चिंता बनी रहती है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का अगला स्टॉक कब आएगा। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है। दिल्ली में कोरोना के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बुलेटिन की अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में राज्य में स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण रूप से मजबूती लाने के लिए कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में संक्रमण दर 40% से अधिक होने के मुद्दे को उठाते हुए अधिक जांच किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मदद करने को प्रतिबद्ध है। बुलेटिन की अगली खबर एक अभिनेता के निधन से जुड़ी हुई है। अभिनेता राहुल वोहरा का कोरोना से रविवार सुबह 6:30 बजे निधन हो गया। 23 घंटे पहले ही राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टैग करते हुए लिखा था कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा। जल्दी जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूं। अभिनेता राहुल वोहरा 5 दिन पहले अपने लिए ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहे थे। ऑक्सीजन लेवल हर रोज गिरता जा रहा था। उन्होंने लिखा था, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, एडमिट हूं। लगभग 4 दिनों से कोई रिकवरी नहीं हुई है। क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए? मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। मैं बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि घर वाले कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। बुलेटिन की अगली खबर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना के कहर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे का कारण इसका नया वेरिएंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और जानलेवा है। उन्होंने आगे कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण अभियान है, जिसमें तेजी लाने की बेहद ज़रूरत है। AFP समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में तबाही इस बात का संकेत है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट B.1.617 जो कि अक्टूबर में भारत में पाया गया था, वही अब रोजाना लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि B.1.617 तेजी से म्यूटेट भी कर रहा है,
जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बुलेटिन की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ ठीक है का दावा कर रही है, लेकिन उसके ही नेता व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। सीएम योगी को लिखे गए पत्र में गंगवार ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो उससे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई सारे मरीजों की हालत और बिगड़ जा रही है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मरीजों को कम से कम समय में अस्पतालों में भर्ती किया जाए। बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जिसका देखा जाना और दिखाया जाना दोनों बेहद जरूरी हैं, मगर उस वीडियो के कुछ दृश्य आपको विचलित जरूर कर सकते हैं। बिहार में एक ओर सांसद जी अपने घर में ही एम्बुलेंस सजा कर रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरीज को ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही मामला पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से सामने आया है, जिससे यहां के अस्पताल की व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आखिर लोग किस तरह अस्पताल पहुंच रहे हैं और कैसे उनका इलाज किया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में हम आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो वैक्सीन के निर्यात पर सवाल उठा रहे हैं। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और हम कह रहे थे अभी केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज का हवाला दे सकते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ लोग खड़े होंगे केंद्र सरकार के, वो कहेंगे कि साहब इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल सहयोग हमें करना पड़ता है एक दूसरे का, लेकिन इंटरनेशनल सहयोग आज उसी इंटरनेशनल सहयोग में अमेरिका भी आता है, यूरोप के देश भी आते हैं, फ्रांस आता है, बाकी देश आते हैं, कनाडा आता है। आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काट कर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। ये जघन्य अपराध है। कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना से हम इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर निकलने से बचें। अगर आप हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुए हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर प्लाज्मा डोनेट करिए ताकि आपके द्वारा डोनेट किया गया प्लाज्मा किसी की जान बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।